राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा एक रैली निकालकर नशे के खिलाफ जो है वो लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो जम्मू शहर के अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ से ये रैली जो है वो गुजरी है और लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि जो नशा है जम्मू को नशा मुक्त जो है वो यहाँ पर बनाया जाए। राकेश बजरंगी जो है वो इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राकेश जी, जिस तरह से नशे के विरोध एक रैली जो है जम्मू के शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरती हुई यहाँ पर आई है, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा ये रैली निकाली गई है, किस मकसद को, किस सोच को लेकर आपके द्वारा ये रैली जो है वो निकाली गई है? देखिए, हमारी सोच सिर्फ इतनी है कि युवा नशे से दूर हो। जम्मू में नशा काफ़ी था, पंजाब तो आपने देखा उड़ता पंजाब हो गया। पहले पंजाब खेलों में पूरे देश में अपूर्ति विश्व में एक नाम हुआ करता स्पोर्ट्स के नाम पे पंजाब का। आज 73% युवा पीढ़ी वहाँ पर नशे में लिप्त है और जो वहाँ पर स्पोर्ट्स था वो ख़त्म हो गया। हम जम्मू को दूसरा पंजाब नहीं बनने देंगे। जम्मू में मैं धन्यवाद करूँगा आईजी साहब, डीआईजी साहब और एसएसपी साहब, उन्होंने हमारा इस मुहिम में पूरा सहयोग किया है और वो भी लगातार रैलियां जो है अपने। क्या राष्ट्रीय बजरंग दल जो है उसकी ये रैली मात्र एक दिन तक सीमित रह जाएगी या इससे आने वाले समय में आगे भी इस तरह के जो रैलीज निकाल कर लोगों को जागरूक किया जाएगा? देखिए, मैं बता दूं कि नशे के विरोध में हम हर गांव में जाकर लोगों को उसके बारे में जानकारी, उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में जानकारी देते ही थे, लेकिन आज हम सड़कों पर आए हैं तो आपको पता ही है कि बजरंग दल जब सड़कों पर आता है तो अपना कार्य पूरा करके ही छोड़ता है। युवाओं की बात करें, हमारे देश में बहुत सी संख्या युवाओं की है और युवा ही हैं जो नशे की लत जिनको बहुत जल्दी लग जाती है, युवाओं से क्या अपील आप करेंगे? देखिए, युवाओं से तो अपील करूंगा ही करूंगा, अपूर्ति उनके माता पिता से सबसे पहले अपील करूंगा कि वो अपने बच्चे का खास ख्याल रखें। उनका बच्चा कब घर आ रहा है, कब घर से जा रहा है, वो किसके साथ है, वो क्या कर रहा है, कितने बजे तक सोता है, ये सारी चीज़ें उसकी नोट करें और उसके ऊपर ध्यान दें। हम युवाओं से ही अपील कर रहे हैं कि नशे से दूर रहें क्योंकि देश को बनाने वाला युवा है। आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके हाथों में जो बैनर्स हैं उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का भी वहाँ पर नाम जो है वो साफ लिखा हुआ है, और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर पुलिस आपका इस रैली में साथ दे रही है? क्या आप उनके साथ मिलकर इस तरह की रैली जो है उनका आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, रैली तो हमारी है लेकिन पुलिस का जो है इसमें सहयोग है क्योंकि उनका सपोर्ट है, उन्होंने नशे के ऊपर रैलियां निकाली हैं और आज हम भी सड़कों पर आए हैं और आने वाले दिनों में हम जॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए नशे के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा नशे को रोकने के लिए तो हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ राकेश बजरंगी जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा ये नशे के विरुद्ध रैली जो है वो यहाँ पर निकाली जा रही है और जम्मू के युवाओं को ये संदेश दिया जा रहा है कि वो नशे से दूर रहें। कैमरामैन रमन कुमार के साथ रवि शर्मा, UNT जम्मू कश्मीर।